एक्सप्रेस आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। जिला चिकित्सालय शासकीय विक्टोरिया अस्पताल की वेबसाइट हुई लॉन्च। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर डॉक्टर पंकज शुक्ला ने बताया कि जिले के पहले शासकीय अस्पताल की वेबसाइट है, जिसके माध्यम से लोग हॉस्पिटल द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा कार्यरत डॉक्टर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल में जिले के साथ ही प्रदेश के मरीज भी जुड़कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह वेबसाइट कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिसमें मरीज अपना फीडबैक भी वेबसाइट के माध्यम से दे सकता है। इस फीडबैक के माध्यम से मध्य भारत की सबसे बड़ी हेल्थ किट कंपनी डिजिक्योर ने डेवलप किया है। वेबसाइट का निर्माण अस्पताल के प्रमुख सचिव डॉक्टर संजय जैन के महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन में संभव हो पाया है। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। इस हॉस्पिटल को सर्वेलेंस ऑडिट होता है, क्योंकि इसके बाद ही इसको मिला है, उसी के माध्यम पर काम कर रहे हैं। दूसरे की कंप्लेट को डिजिटली हम लोग राज्य स्तरीय चलाए हैं और इसका आकलन करेगा कि ये ठीक है कि नहीं, जैसा इसको सर्टिफिकेट दिया गया वैसा काम कर रहा है कि उसके बाद ही इसको जो 10,000 रुपये प्रति बैग 30,00,000 रुपये वो मिलेंगे। और ये जो 15% का मैंने बोला था आयुष्मान भारत का जो पैकेज है उसमें वो उसी के सर अपना फोन चाहिए। अपना नाम बता दें सर। मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला, डायरेक्टर एन पी एस का सर्विलेंस असेसमेंट हो रहा है। इसमें भोपाल से डायरेक्टर NH डॉक्टर पंकज शुक्ला सर, डॉक्टर विवेक मिश्रा, सतना से डॉक्टर अभिनव चौरसिया एवं मंडला से मिस्टर शरद मेहराम जी आए हुए हैं। ये टीम 2 दिन यहाँ पे रहेगी और 2 दिन पूरा जो अस्पताल का क्वालिटी का काम चल रहा है उसका विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण करेगी। लगभग 6,000 बिंदुओं के ऊपर जिला अस्पताल का आज एग्जाम होगा। एक बिंदु पे 2 नंबर रहते हैं, 0, 1, 2। तो हमारा जो 12,000 के लगभग नंबर का एग्ज़ाम है, 2 दिन में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आपको बताते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि जिला अस्पताल की एक वेबसाइट थी 2019 से चल रही थी, और उस वेबसाइट को हमने रिनोवेट किया है, रीडिज़ाइन किया है। ये हमारी जो वेबसाइट आज डायरेक्टर NHM पंकज शुक्ला सर ने लॉन्च की है, उसका नाम विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर है। ये डायनामिक है, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की प्रोफाइल है और जितनी भी जो सर्कुलर हैं, नोटिस हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, IC मटेरियल है, कोविड मटेरियल है और जितने भी प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट चलती है उसमें सब लोडेड है। कोई भी पब्लिक किसी भी टाइम पे 24x7 उसको देख सकती है।